हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सनी का फिल्म प्रमोशन इवेंट कैसे बना हिंदी क्लासरूम, रिवील होगा एक बड़ी अपकमिंग फिल्म साइन करने को लेकर जैकलिन का डिलेमा, और साथ ही बताएंगे करीना के हाथ से फिसल रही है कौन सी एंडोर्समेंट डील। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज सबसे पहले बात टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए एक नए थ्रेट से, और ये थ्रेट बनती जा रही है सनी लियोनी। सोने की बेबी डॉल तो वो पहले ही थी, अब वो शुरू करती दिख रही है हिंदी पर कमांड की तैयारी, वो भी कुछ इस तरह की एक रीसेंट इवेंट उनके लिए बन गया हिंदी क्लासरूम। हिंदी कितनी जरूरी है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, इस बार तो आपने हिंदी। मैं हिंदी बोलती, आप सब लोग इंग्लिश बोलते हैं मेरे साथ, तो मैं क्या करूं। फाइनली सोने की बेबी डॉल के सामने आ गया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए हिंदी के जरूरी होने का सवाल। हिंदी कितनी जरूरी है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, इस बार तो आपने हिंदी। मैं हिंदी बोलती, आप सब लोग इंग्लिश बोलते हैं मेरे साथ, तो मैं क्या करूं। और सिर्फ एक सवाल आया होता तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ तो सनी की अपकमिंग फिल्म एक पहेली का ये इवेंट पूरा का पूरा हिंदी क्लासरूम बन गया। आप तो काफी अच्छी हिंदी सीख गई हैं, आपकी फिल्म का टाइटल है पहेली लीला, क्या पहेली क्या होता है थोड़ा? मैं लिटिल मीनिंग जानना चाह रही हूँ, क्या सनी को पता है पहेली क्या होता है? It means first. I didn't know this was English class or Hindi class. There's one Leela. एक है, पहली है, she's the first. वेल, आपको लग सकता है कि हिंदी को लेकर सनी से किए गए ये सवाल भला बड़ी बात कैसे हो गए, तो बता दें कि सनी का यूं हिंदी पर फोकस करना बन सकता है टॉप लीग ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए खतरे की बड़ी घंटी। वो इसलिए कि सोने की बेबी डॉल बनने वाली सनी अब लगता है आने वाले दिनों में सिर्फ ग्लैम डॉल बनकर नहीं रहने वाली, बल्कि उनकी तैयारी तो पूरी तरह से टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की लग रही है। अगर आपको याद हो तो जूम पर ही हमने एक्सक्लूसिवली आपको सनी का वो इरादा दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पास्ट इमेज भले ही जैसे भी रही हो, लेकिन वो अब बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित जैसी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती है। सनी माधुरी दीक्षित बनना चाहती है? I don't know about, there's only one Madhuri, but I think when, as an actor, when you look up to somebody, she's definitely someone I look up to. और अब एक पहेली के प्रमोशन इवेंट पर एक बार फिर से छिड़ी है सनी के बॉलीवुड पर चढ़ते जादू की बात, जहां फिल्म की सारी स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर्स की मौजूदगी के बावजूद इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट सनी की ये हिंदी क्लास ही बनी। और सनी की हिंदी क्लास इस बात को पक्का प्रूव करती है कि वो हिंदी पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। हिंदी कितनी जरूरी है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, इस बार तो आपने हिंदी। मैं हिंदी बोलती, आप सब लोग इंग्लिश बोलते हैं मेरे साथ, तो मैं क्या करूं? वैसे भी इनिशियली कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस जैसी कई एक्ट्रेसेस की सक्सेस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि बॉलीवुड में हिंदी ना जानते हुए भी करियर को स्टार्ट मिल सकता है, और अगर किसी ने हिंदी पर कमांड कर लिया तो फिर कहना ही क्या। ऐसे में हिंदी पर कमांड सनी का बॉलीवुड पर किस तरह छाने का इरादा बयान कर रहा है ये आप बेहतर समझ ही गए होंगे। और हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। खबर है कि एसआरके स्टारर फैन की रिलीज पोस्टपोन होने से करण जौहर अपनी एक अपकमिंग फिल्म इस साल इंडिपेंडेंस डे के स्लॉट पर रिलीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारे इस स्टोरी में। पब्लिक हॉलीडेज और फेस्टिवल डेट्स पर फिल्म रिलीज करने की होड़ में अब करण जौहर का नाम भी जुड़ चुका है। जी हाँ, करण की अगली फिल्म ब्रदर्स इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज हो सकती है, और ये मुमकिन हुआ है क्योंकि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म फैन की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है। जी हाँ, करण जौहर ने इस न्यूज को खुद अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर कंफर्म किया है। करण ने ट्वीट करते हुए कहा, आदि जस्ट कॉल्ड एंड आस्क्ड मी टू रिलीज ब्रदर्स ऑन द 14th ऑफ अगस्त 2015 एज फैन इज पोस्टपोन्ड। जेस्चर्स लाइक दिस मेक माय डे स्पेशल। चलिए करण, वी होप आप इस डेट का फायदा उठा पाए। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। जैकलिन फर्नांडिस एक फिल्म साइन करने या ना करने को लेकर कंफ्यूज है। वेल, कौन सी है ये फिल्म? लेट्स फाइंड आउट।
फिल्म किक के बाद से जैकलीन फर्नांडिस को मिल रहे ढेर सारे ऑफर्स का अपडेट तो अक्सर आता रहता है, और अब आया है ऐसे ही एक ऑफर के चलते जैकलीन के कंफ्यूजन का किस्सा। सोर्सेज की माने तो हेरा फेरी 3 के लिए फिल्म मेकर्स की लीड एक्ट्रेस की सर्च जैकलीन पर जाकर अटक गई है। प्रोड्यूसर्स जैकी को बार बार अप्रोच कर रही है और बेहद सिलेक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग रोल्स करने का डिसीजन लेने वाली जैकलीन अब हो गई है कंफ्यूज्ड कि वो ये फिल्म करे या फिर ना करे। जी हाँ, रिसेंटली सुनने में आया था कि जैकी अपेरेंटली इज टायर्ड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ मल्टी स्टारर्स। लेकिन अगर कोई मल्टी स्टारर हेरा फेरी 3 जैसी रिप्यूटेड फ्रेंचाइज हो तो जैकी क्या करे। और अब जब उन्हें नए सीक्वल में लीड बनने का ऑफर किया गया है और प्रोड्यूसर्स उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो सुनने में आया है कि जैकलीन का डिलेमा बढ़ गया है। ऐसे में अब थोड़े और इंतजार के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जैकलीन अपने करियर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग रोल्स करने वाली है या फिर उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा फिल्में करने का है। और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल रॉय से ज्यादा अरुण गवली की लाइफ से इंस्पायर्ड रोल के लिए सुर्खियों में हैं। इसी बात से अपसेट अर्जुन ने कुछ ऐसा किया है जो खबर बन गया है। अर्जुन रामपाल आजकल अपनी फिल्म रॉय के प्रमोशन में काफी बिजी है, मगर इस प्रमोशन के साथ साथ अर्जुन की आने वाली फिल्म का भी प्रमोशन हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन रामपाल की अपकमिंग फिल्म डैडी की, जो बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ गैंगस्टर अरुण गावले। अर्जुन आजकल जहाँ भी जा रहे हैं, मीडिया उनसे इस फिल्म से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पूछ रही है, जिसके ऊपर अर्जुन का ये कहना है दैट समटाइम्स पब्लिसिटी कैन गेट अ बिट नैगिंग। जब कॉन्ट्रोवर्सीज होती है और लोग यू नो गेट ऑन टू दैट, मैं तो यही चाहूंगा कि ना हो, वो बेटर है। You know, because it is a bit irritating. फिर clarifications देने पड़ते हैं and you have to go about all of that. लेकिन इस वक्त तो मेरा focus बिल्कुल Roy पर है और मैं इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि जो भी हमने किया कुछ गलत नहीं किया, तो इट्स ओके। वैसे तो आजकल अर्जुन रॉय में बिजी है, लेकिन ये साथ वाला प्रमोशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। वी होप अर्जुन की ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर शोले अब पाकिस्तान में रिलीज की जा रही है। आपको दिखाते हैं इस रिलीज से जुड़े डिटेल्स। बॉलीवुड की क्लासिक हिट शोले अब पाकिस्तान में भी दिखेगी। 1975 की ये क्लासिक फिल्म अब पाकिस्तान में भी 2D और 3D में रिलीज होगी। नदीम मानवीवाला, द ओनर ऑफ कराची बेस्ड मानवीवाला एंटरटेनमेंट, सेड दैट इट हैड ऑलवेज बीन अ पर्सनल ड्रीम ऑफ हिज टू पुट द आइकॉनिक 1975 फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन इन पाकिस्तान। इंडियन फिल्म्स और इंडियन स्टार्स आर अ बिग हिट विद बॉलीवुड क्रेजी पीपल ऑफ पाकिस्तान। मानवीवाला, वन ऑफ पाकिस्तान's लीडिंग फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिमेन्स होपफुल दैट द फिल्म डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी एंड स्टारिंग अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र विल अट्रैक्ट अ न्यू जनरेशन ऑफ फैंस who will be eager to watch it on the big screen. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Alia Bhatt इन दिनों एक brand new SUV में नजर आ रही है, जो उन्हें पहले की तरह अपने डैड से नहीं मिली है। Well, तो फिर किसने दी आलिया को ये brand new SUV? Let's find out. Alia Bhatt, who's riding high on the success this year with a Filmfare Award and also some exciting films to look forward to, has got one more reason to celebrate, and this time, it's not a film or an award. Ji haan, Alia, who couldn't make much of a mark with her debut Student of the Year, changed the outlook of several people with a critically acclaimed performance in Imtiaz Ali's Highway. Alia, jinhone recently jeeta Best Actor Critics' Choice Filmfare Award for her memorable performance in Highway, went ahead to reward her own self by buying a swanky new car. आलिया ने अपने इस हैप्पी मोमेंट को फैंस के साथ शेयर करते हुए अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ट्वीट किया था। Here comes my first car. Woohoo Audi. The black shining Audi was presented to the actress in a शानदार way. Indeed, with a fancy pink bow tied to its handle. Well, we hope Alia has fun driving her new swanky ride. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लेनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे कम हो रही है करीना की ब्रांड वैल्यू। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटे से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
प्रियंका चोपड़ा जल्द ही बॉलीवुड में अपना प्लेबैक डेब्यू करने जा रही हैं। जी हां, प्रियंका जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म दिल धड़कने दो में अनुष्का शर्मा के लिए प्लेबैक करेंगी। प्रियंका हैज संग द टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय शंकर एहसान लॉय अलोंग विद को एक्टर फरहान अख्तर एंड द डुओ विल बी सीन लिप सिंकिंग टू द सॉन्ग विद अनुष्का। द सॉन्ग हैज बीन शॉट अबाउट द क्रूज लाइनर दैट फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म। सिंगर श्रेया घोषाल ने अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट शीलादित्य से शादी कर ली है। श्रेया टाइड द नॉट विद हर फ्रेंड इन अ ट्रेडिशनल बंगाली वेडिंग। आमिर खान स्टारर पीके हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट वॉच्ड ट्रेलर ऑनलाइन। पीके का ट्रेलर जो कि करीब 2 मिनट्स एंड 13 सेकंड्स लॉन्ग है, हैज सो फार गार्नर्ड 12,207,328 हिट्स ऑनलाइन। Makers of the recently released critically acclaimed film Baby are all set to come out with its sequel. जी हाँ, अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म की सुपर बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद अब नीरज पांडे जल्द ही इसके सीक्वल पर काम करेंगे। The film is expected to roll out in early 2016 after Neeraj wraps up the MS Dhoni biopic with Sushant Singh Rajput. सलमान खान की वजह से सोनम कपूर को करनी पड़ी अपनी पार्टी कैंसिल। जी हाँ, सोनम हाल ही में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पर्निया कुरेशी के घर पार्टी कर रही थी व्हेन शी गॉट अ कॉल फ्रॉम सलमान एंड हैड टू कैंसिल द पार्टी एंड रिपोर्ट फॉर अ 5 AM शूट विद हिम। सोनम जो जल्द ही सलमान की ऑपोजिट दिखेंगी इन प्रेम रतन धन पायो वॉज वेरी बिजी लास्ट मंथ प्रमोटिंग डॉली की डोली एंड सो नाउ सलमान वॉन्ट्स टू स्पीड अप एंड फिनिश द शूटिंग ऑफ प्रेम रतन धन पायो। सुनने में आया है कि एक ब्रांड करीना कपूर की जगह एक दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहा है। क्या है ये पूरा चक्कर, देखिए इस स्टोरी में। सिंघम रिटर्न्स के बाद से करीना कपूर के सिल्वर स्क्रीन पर रिटर्न होने का इंतजार हो रहा है। करीना कपूर खान इज टेकिंग हर ओन टाइम टू बी बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन, लेकिन लगता है सोशल इवेंट से करीना की एब्सेंस ने दिखा दिया है अपना खेल। एज अ रिजल्ट सुनने में आया है कि करीना के हाथ से फिसल रहा है एक ब्रांड और सोर्सेज की माने तो करीना की ब्रांड वैल्यू एड वर्ल्ड में ड्रास्टिकली कम होती जा रही है। न्यू ब्रांड्स करीना को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उल्टा ऐसा हो रहा है कि जिन ब्रांड्स के साथ करीना लॉयल्टी निभा दी आई है वो भी उनके हाथ से छिटकने लग गए हैं। And according to sources, एक टी ब्रांड की ब्रांड endorsement deal बन गई है इसका latest example. Apparently, वो टी कंपनी अब करीना के साथ अपना contract renew नहीं कर रही है। दूसरी तरफ इशारा भी मिला है कि उस ब्रांड की तरफ से करीना कपूर की जगह अब फैशनिस्टा सोनम कपूर को अप्रोच किया जा रहा है टू रिप्लेस करीना एज द ब्रांड एम्बेसडर। वैसे सोनम ही नहीं, ब्रांड वर्ल्ड में करीना के लिए हमारे जेन एक्स सुपरस्टार्स लाइक आलिया, श्रद्धा एक्सेट्रा भी कोई कम थ्रेट लेकर नहीं आए हैं। All the younger talent की brand world में entry hasn't made things easy for Bebo. वैसे भी hope, बजरंगी भाईजान शायद करीना की brand value को वापस पहले जैसे level पर ले आए। For रुद्रानी चटोराज, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से break का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि break के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. प्रतीक बब्बर के करियर में आए स्टैग्नेशन के सवाल पर बॉलीवुड से कोई उन्हें डिफेंड करने आगे आ गया है। आप भी देखिए कौन है वो। रिसेंटली मुंबई में हुआ आर्या बब्बर की बुक लॉन्च का इवेंट, जहां हमने स्पॉट किया ताबू, नील नितिन मुकेश और उपेन पटेल जैसे कई सेलिब्रिटीज को। यहां इस इवेंट पर अपने बेटे को सपोर्ट करते नजर आए राज बब्बर भी। टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग स्टार, प्रतीक बब्बर से लोगों को काफी उम्मीदें थीं। पर कुछ नॉट सो वाइज करियर और पर्सनल डिसीजंस की वजह से प्रतीक को आज बॉलीवुड में हार्डली अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे हैं। माय फर्स्ट फिल्म से लेकर आज तक आई हैव डन लॉट ऑफ मूवीज वेयर आई थॉट अ फिल्म वुड हैव डन रियली वेल एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि यू नो आई वाज फैंटास्टिक और द डायरेक्टर वाज बैड और व्हाटएवर इट इज बट आई थिंक आई हैव बीन लकी इनफ टू गेट गुड डायरेक्टर्स एंड दे ट्रस्टेड इन मी सो आई डोंट थिंक इट इज एन एफर्ट फ्रॉम देयर साइड एफर्ट हैपेंड फ्रॉम माय साइड। इस इवेंट पर हमने स्पॉट किया नील नितिन मुकेश को भी, जिन्होंने हमसे शेयर किया सलमान खान के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस। डिफिकल्ट टू प्रोबेबली ट्राई एंड मैच अप टू हिम, सो दैट्स वन थिंग एज एन एक्टर और एज अ पर्सन आईड नेवर ट्राई एंड डू, आईड नेवर ट्राई एंड एप हिम इन एनी वे बिकॉज इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू बी हिम। देयर इज जस्ट वन सलमान खान एंड ही डज एग्जिस्ट वेरी स्ट्रांगली, सो द ओनली थिंग व्हाट आई कैन डू इज लर्न फ्रॉम हिम and understand from him and be inspired by him. So having said that again, for me Salman bhai is somebody who I have great regards for. I have really been encouraged a lot by him and I look forward to an association not just work wise but as a family for the rest of my life with him.
He's a great human being, and that's why he has that lovely charitable trust called being human, that because it reflects him. Well, all in all, Arya Babbar ka ye book launch event raha kafi interesting, and we wish him all the best. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. Recently, Mumbai mein huye ek Grand Prix wearing bash mein nazar aaye kai Bollywood stars. To dekhiye kaun kaun se Bollywood stars yahan aaye nazar. Recently, Mumbai mein hui London billionaire Sanjay Hinduja ki pre-wedding bash, jahan Bollywood ke kai nami celebrities ne apni hazri lagai. इस इवेंट पर हमने स्पॉट किया माधुरी दीक्षित और उनके हस्बैंड डॉक्टर नेने को अलोंग विद अदर बी टाउन सेलिब्रिटीज लाइक जैकी श्रॉफ अनु मलिक और पूनम ढिल्लो को द अट्रैक्शन ऑफ द इवेंट रिमेन जैकी श्रॉफ एंड माधुरी दीक्षित हु वर क्लिक टुगेदर आफ्टर इयर्स फॉर अभिषेक सिंह जूम मुंबई वेल विद दिस इट्स रैप वी विल बी बैक टुमारो विद सम मोर बॉलीवुड जूस टिल देन कीप वाचिंग जूम इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल